नहीं तो मैं देश भर में जितनी पाखंडियों फैले हुए हैं मैं सबको एक ही बात बोलूंगा, ये 2023 में आप लोग कृपया बहुत सावधान रहिए कि 2023 बहुत ही खतरनाक है। नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारे साथ एक गुरुजी है जो नाथ संप्रदाय के हैं, जो फिलहाल अभी असम आए हुए हैं। तो चलिए उनसे उनका नाम और उनका असली स्थान कहाँ है जानते हैं। गुरुजी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी। अच्छा, तो सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम दिलीप नाथ है। अच्छा, मैं नाथ संप्रदाय से दीक्षित हूँ। मेरे गुरु जी का नाम शक्ति नाथ है और मेरे दादा गुरु रामनाथ बाबा हैं। ठीक है, तो आप कहाँ से हो ओरिजिनली? ओरिजिनली मैं बंगाल से हूँ, पर अभी मैं इस वक्त मैं हैदराबाद में ही शिफ्ट हो गया हूँ। अच्छा, मैंने जन्म मेरा बंगाल का है। अच्छा, तो क्या चीज़ आपको इस मतलब तांत्रिक जो है, मतलब इस गुरुजी होने के लिए आपको किस चीज़ ने आपको खींचा इस तरह? ऐसा है कि मुझे बचपन से ही अध्यात्म जगत की तरफ एक बहुत टान था, तो जब मैं कभी मंदिर में जाता था या कहीं भी जाता था तो मुझे एक आकर्षण कर लेता था और एक अजीब से रुचि थी। फिर मुझे 8 साल की उम्र में एक अजीब से ये होने लगा और जब मैं धीरे 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 जब ईश्वर जब मैं अग्रसर होने शुरू हुआ अध्यात्म जगत की तरफ, तो मेरे गुरुजी जो हैं मुझे वो पहले मुझे सपने में दिखाई दिए। आप मिले नहीं थे पहले? पहले मैं उनको नहीं मिला था। अच्छा। तो शक्तिनाथ बाबा को मैं सपने में दिखाई देता था। तो ऐसा है कि सपने में दिखाई देता था तो और एक गुरु भाई जो हमारे थे उनसे हमारा बहुत अच्छा मित्रता था। तो एक दिन मैं उनके घर पे गया ऐसे ही, तब मैं अपने गुरुदेव को नहीं जानता था पर मैं सपने में उनको देखता था बराबर। तो मैं जब गया उनके घर पे तो उनका बहुत तबीयत खराब था, तो उनके रूम में कोई अलाउ नहीं है ढुकने का मेरे गुरु भाई का, तो उनका पैर में थोड़ा इंजर्ड था बोल के वो बोले जो मेरे रूम में आओ। तो मैं जब गया तो वहाँ पे देखें भारतवर्ष की बहुत सारे गुरु का फोटो है, तो उसमें हमारे गुरु जी का फोटो भी लगा हुआ था। तो मैं पूछा हमारे उस गुरु भाई से कि ये गुरु जी कौन है और कैसे? तब बोले जी ये असम के रहने वाले हैं और ऐसे ऐसी बात है। बोले मैं तो इनको रोज़ देखता हूँ। तो उन्होंने बोला कि सामने से कभी देखा है? हम बोले हम सामने से कभी नहीं देखा है। तो सामने से नहीं देखा है तो डेली कैसे देखते हो? एंड डेली में उनसे बात होती है हमारे, वो मुझे सपने में आते हैं। तो ये बात सुनकर हमारा वो गुरु भाई बहुत आश्चर्य हुआ, ये कैसा ये पॉसिबल है जो इंसान को ये सामने से नहीं देखा उसको सपने में बात करता है ये। तो फिर मेरे वो गुरु भाई आके यहाँ बाबा से आश्रम में बात किया। तब तो वो हमारा उस टाइम में पहला ये टाइम था ये आश्रम में आना। तो हम बहुत बेकुल थे गुरुजी से मिलने के लिए। तो मैं जब यहाँ पर आया तो हमारा वो गुरु भाई बोला कि गुरुजी ये आपसे डेली बात करता है और आप उसको सपने में आते हैं ऐसा ऐसा ये बोल रहा है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। तो बाबा बोलने वो सच बोला है। जैसे ही बाबा जी बोलती हैं कि वो सच बोला है मैं उससे वाकई मिलता हूँ, उससे बात करता हूँ। तो फिर वहीं से हमारा ये नाथ पंथ में जुड़ना शुरू हो गया। अच्छा। मैं वहाँ से ही गुरु जी से मैं जुड़ गया। अच्छा। और अब जब तक जीवन ईश्वर दे के रखी है तब तक इसी में हमारा जीवन चलेगा और मानव सेवा करना हमारा काम है तो मानव सेवा हम करते रहेंगे गुरु कृपा से, गुरु की आशीर्वाद से। तो आपने दीक्षा कौन से स्थान से ली हुई है? मैं दीक्षा मैंने ये गुरुधाम में ही हमारा दीक्षा हुआ। अच्छा। है जो ये गुवाहाटी में है? हाँ, ये गुवाहाटी में जो संघ धाम है। हाँ। ये संघ धाम में ही हमारी दीक्षा हुई है और यहाँ ही हमारा नाथ संप्रदाय जो मेरे गुरुजी मुझे दीक्षा दिए हैं और कामाख्या में भी हमको गुरुजी ये कर दिए हैं। ठीक है, तो मैं तब से मैं माँ कामाख्या से और ये आश्रम से मैं जुड़ा हूँ। अच्छा, तो आपने माँ कामाख्या की भी शायद साधना की? अच्छा। तो जैसे कि गुरुजी ने बताया कि इसी स्थान में गुवाहाटी के जिस इलाके में कालीपुर इलाके में इस धाम है ये आश्रम है, तो चलिए गुरुजी हमें इस आश्रम का एक सैर कराते हैं, फिर गुरुजी से हम बाकी बात बाद में करते हैं। इस आश्रम को जो तो ये नाथ संप्रदाय के आश्रम है, रामनाथ अघोरी और सुंदरनाथ बाबा ने इनको ये किया है। ठीक, पर ऐसा है कि इस आश्रम को नाथ संप्रदाय के नाम से असम के लोग जानते हैं। ऐसे तो नाथ संप्रदाय सारे भारतवर्ष में फैला हुआ है, गोरखनाथ की हम लोग सब शिष्य है, तो गोरखनाथ का जो आश्रम है सारा विश्व में भी है, सारे हिंदुस्तान में भी है। तो हम लोग सब नाथ परंपरा से
जुड़े हुए हैं, हम लोग सब नाथ पंपरा से हैं। गुरु मच्छिंद्रनाथ बाबा हैं, नंदी बाबा हैं, स्वयं शिव यहाँ पर हैं, और आपके गोरखनाथ बाबा भी हैं, ठीक है। और ये आपकी माँ चामुंडा की रूप माँ काली हैं स्वयं, ठीक है। और आप इस तरफ आइए, गुरु सुंदरनाथ बाबा, इन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली है जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। श्री श्री बाबा का उपदेश है, चलते फिरते वक्त नाम लेना, हर वक्त नाम लेना है। तुम्हारी जीवन की जो चक्की चल रही है उसमें थोड़ा थोड़ा करके गेहूं डालो, तब तो आटा मिलेगा। गेहूं नहीं डालोगे तो कैसे तुम्हारी चक्की चलेगी और कैसे तुम्हें कोई फायदा होगा या आटा। इसलिए कहने का मतलब है बाबा का, जो भगवान का नाम तुम हमेशा लेते रहो और कर्म भी करते रहो अपना, तभी फल का तुम उम्मीद कर सकते हो। मेरे दादा गुरु रामनाथ बाबा, रामनाथ बाबा को लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपका नेपाल में जो पशुपतिनाथ जो मंदिर है, नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में भी रामनाथ बाबा का बहुत बड़ा योगदान है। और यहाँ तक कि रामनाथ बाबा नेपाल जो राजघराना है, नेपाल राजघराना का राज परिवार के भी रामनाथ बाबा गुरु रहे हैं, और आज भी उस परिवार में रामनाथ बाबा को अपना गुरु मानते हैं, नेपाल का राजा जो है, ठीक। और ये मेरे गुरु हैं गुरु शक्तिनाथ बाबा, जिन्होंने मुझे दीक्षा दिए हैं। शक्तिनाथ बाबा, शक्तिनाथ अघोड़ी मेरे दीक्षा गुरु। तो हमने आश्रम देख लिया, आश्रम बहुत ही सुंदर है और बहुत ही प्यारा है। कभी आप अगर कामाख्या मंदिर आते हो तो बिल्कुल दर्शन करना इस आश्रम का भी। तो चलिए अभी जो बातें हैं फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो गुरु जी, जैसा कि आपने बताया कि मानव कल्याण ही आपने सीखा है, आपका धर्म है, तो आप अपनी शक्तियों को कैसे मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल करते हो? देखिए, ऐसे कि लोग बहुत तरह के प्रॉब्लम लेके मेरे पास में आते हैं, ये समस्या वो समस्या। लोगों की आजकल ज़िंदगी में बहुत समस्याएं भी हैं और लोग कहीं ना कहीं से अपने आप को मुक्ति पाना चाहते हैं कि सही गुरु मार्गदर्शन में कोई रास्ता मिले। तो मैं जो भी करता हूँ और जो भी शक्तियाँ या सिद्धियाँ मैंने प्राप्त की हैं वो सब गुरु कृपा से ही हुआ है, और सब रामनाथ बाबा और शक्तिनाथ बाबा की कृपा से ही मैं लोगों का भला कर पाता हूँ। अच्छा, तो माँ कामाख्या के अलावा और कौन सी देव देवियों को आपने? मैं आपका माँ कामाख्या का भी साधना कर किया हूँ, माँ काली का भी किया हूँ, शिव शक्ति से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और अभी भी हमारा साधना का मार्ग जारी है। तो ये जो आपका पंथ है, नाथ जो पंथ है, तो इसमें क्या शमशान साधना भी जुड़ी हुई है? हाँ, शमशान साधना इसमें जुड़ी हुई है, वो भी हमारे जीवन का एक सही पार्ट है। शमशान साधना भी करना बहुत जरूरी होता है, हम लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आपने बताया जब आप 8 साल के उम्र के थे तब से आपको सपने में आ रहे थे ना गुरु जी, तो आपने किस उम्र में इस दीक्षा को लिया, प्रॉपर ले लिया? मैं उस टाइम में हमारा उम्र कोई होगा गुरु जी से जुड़ने का 27 साल उम्र हो गया, 26-27 साल की उम्र कि मैं भटक रहा था, फिर मुझे गुरु मार्ग मिला और मैं फिर आपका दीक्षा के बाद से सही मार्ग पे मुझे गुरु के आशीर्वाद से मैं चलता गया। तो गुरु जी, जो आपका आप लोग का ये जो साधना है और आप लोग का तो एक पर्सनल लाइफ भी होता है ना, तो उसको आप कैसे बैलेंस करते हो? देखिए, सब गुरु कृपा ही है, ऐसे तो आम लोगों से जुड़ता हूँ बात सही है, पर जब मैं साधना में की क्षेत्र में जब चला जाता हूँ तो मैं आम लोगों से जुड़ना बंद कर देता हूँ। लोग नहीं जान पाते हैं कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, किस जगह पे हूँ, क्योंकि ये हम लोग को बताना भी हम लोग जरूरी नहीं समझते हैं कि लोगों को बताएं कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि समझ रहे हैं आप लोग, जो लोग फिर मतलब कि कॉन्टेक्ट करना शुरू कर देते हैं, डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए जितने दिन साधना प्रक्रिया चलता है लोगों से मैं नहीं जुड़ता हूँ। हाँ, लोगों से मैं थोड़ी दूरी बना के रखता हूँ, और हमारी जो साधना की जो स्थान है मैं अपने उस स्थान पे रहता हूँ, साधना करता हूँ, फिर हमारी जब साधना के जब ये ख़त्म हो जाता है तब फिर मैं आम लोगों से फिर जुड़ना शुरू कर देता हूँ।
तो गुरु जी, जैसा कि हम जानते हैं कि नाथ संप्रदाय के जो तांत्रिक या गुरु जी होते हैं, उन लोग अक्सर काले कपड़े पहनते हैं, तो आप तो काले कपड़े में दिखाई नहीं दे रहे हो। नहीं, ऐसे है जो काले कपड़े में मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि हमारा कान छेदन नहीं हुआ है। और ऐसे नाथ संप्रदाय में बहुत से प्रक्रिया है जो मतलब कि जैसे सब कुछ त्याग करके चले आना, तो मैं संपूर्ण रूप से त्यागी नहीं हो पाया हूँ। ठीक है, मैं क्योंकि गुरु आदेश के अनुसार ही मैं चला हूँ, तो मेरे गुरु जी मुझे जैसे जैसे आदेश दिए हैं मैं वैसे वैसे चला हूँ। तो जो लोग सब कुछ त्याग के एकदम जोगी हो जाते हैं, साधु हो जाते हैं, तो वो लोग आपका ये काले कपड़े वस्त्र में रहते हैं। पर मैं जब साधना करता हूँ तो मैं भी काले वस्त्र में ही रहता हूँ। अच्छा, तो जब आप साधना करते हो उस समय आपके साथ कुछ ऐसा भयंकर कुछ घटना हुआ था, जैसे भूत आत्माओं के साथ मुलाकात? हाँ, ऐसा है कि मैं जब आपका काशी में था, किसी एक जगह पर मैं साधना कर रहा था, तो वहाँ पर ये बहुत एक खतरनाक अनुभव मेरी हुआ था। और साधना में मुझे वहाँ प्रेत ने घेर लिया था, पर ये गुरु कृपा ही है जो उन्होंने हमारा कुछ नुकसान नहीं कर पाया। जी, तो जो प्रेत होते हैं आत्मा, उनको अपने वश में किया है कभी? देखिए, प्रेत आत्माएं जो होती हैं ये लोग बहुत दुखित होता है, ये तो खुशी ये लोग नहीं होते हैं, ये लोग बहुत दुखित रहते हैं। प्रेत आत्माएं जो होती है, लोग काफ़ी लोग बहुत कष्ट में इन लोग का जीवन होता है। ठीक है, तो इनको बस में नहीं करना चाहिए, पर ये लोग भी समझता है जो किसके पीछे लगना चाहिए किसके नहीं, तो ये लोग समझ के ही लोगों के साथ में अपना ये करते हैं। आर की साधन तो ये लोग किसी के जल्दी पीछे नहीं लगते हैं, मगर लोग कहीं ना कहीं कुछ गलती करते हैं तो लोगों के पीछे भी ये लोग पड़ जाता है। हाँ, और हमारे पीछे वो लोग पड़ा था क्योंकि उनका उद्देश्य था मेरी साधना को भंग करना, और कोई बात नहीं। क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ी शक्ति का मैं साधना कर रहा था, तो उस साधना को भंग करने के लिए ही ये लोग हमको घेर लिया बाबा जी, था। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल तांत्रिक हो, बाबा हो, गुरुजी हो, बहुत सारे फ्रॉड ऐसे निकल रहे हैं, तो इसलिए क्या होता है ना, जो जनरल लोग होते हैं उन लोगों के मन में एक डर सा बैठा हुआ है, जो अघोरी हो या गुरुजी हो बाबा को लेकर, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो कहूँगा ये तो बात सही है, जो आजकल समाज में बहुत फ्रॉड लोग हो गए हैं, गलत लोग हो गए हैं, पर मैं लोगों से ही निवेदन करूँगा, लोगों से मैं ही विनती करूँगा, जो ऐसे लोगों से आप लोग कृपया दूर रहें। लोग को पहचानने की कोशिश करें, सही लोग के सानिध्य में आए, और ऐसे लोगों से आप लोग काफ़ी दूर रहें, क्योंकि ये तो आपकी भला नहीं करेंगे बल्कि आपका नुकसान ही कर देंगे, तो इन सबों से आप लोग बच के रहें। अच्छा बाबा, जैसे कि आपने कभी भी साधना हो या किसी के जन कल्याण खातिर कुछ क्रिया आप कर रहे थे, तब ऐसा क्या सिचुएशन आया जब आपको अपना जितनी शक्तियां है सब प्रयोग में लाना पड़ा? अभी तक तो ऐसी जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि गुरु कृपा से अभी तक ऐसी मुझे जरूरत नहीं पड़ी है। मगर जीवन में साधना के क्षेत्र में मुझे बहुत कठिनाई आया है, बहुत कठिनाई आया है, और अभी मैं भी साधना मार्ग में हूँ, अभी भी मुझे बहुत कठिनाइयाँ कभी कभी झेलना पड़ता है, तो गुरु कृपा के आशीर्वाद से मैं निकल जाता हूँ। बाबा, एक बात हमने सुना था कि जो अघोरी होते हैं या तांत्रिक होते हैं, उन लोगों का जब मृत्यु होता है ना, तो जो लास्ट रिचुअल्स जो होता है वो अलग तरह से होता है, ये सही बिल्कुल बात है? अच्छा, बिल्कुल सही बात है। देखिए, तो ये कैसे होता है बाबा, कुछ एकदम शॉर्ट में कुछ बता सकोगे? ये जो अघोरी का जो ये संस्कार वाली जो बात है, ये अपनी नाथ परंपरा के हिसाब से जो नियम निष्ठा है उस हिसाब से ही हम लोग करते हैं। कि ये दुनिया को, जैसे आम लोगों के बारे में दुनिया को, समाज को पता चलता है, इसके बारे में सिर्फ नाथ संप्रदाय के लोग ही जान पाएंगे और उनसे जुड़े हुए लोग ही जान पाएंगे, दूसरा कोई नहीं जान पाएगा। अच्छा, तो बाबा जी, जैसे कि हम लोग का वीडियो जनरल लोग भी देखते हैं, तो जनरल लोग खुद से अपने घर में कुछ टोना टोटका कर सके, ऐसा कुछ उपाय दोगे क्या जो झगड़ा खत्म कर सके घर में, या फिर सर्व बाधा विनाश के लिए छोटा मोटा कुछ टोटका? देखिए, मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि ऐसे अगर घर में लोग अगर तुलसी के पौधा भी अगर लगा रहे, तो तुलसी का पौधा अगर सही सलामत है तो समझना चाहिए जो घर में सब कुछ ठीक है। और अगर किसी को ऐसा लग रहा है जो कि तुलसी का पौधा मुरझा जा रहा है, तो
या कहीं कुछ नहीं हो रहा और घर में बहुत सारा ये है, तो तुलसी के पौधा में गुड़ा जो हल्दी होता है उसको दीजिए। और अगर किसी की मन में ये संदेह है कि कहीं कुछ ऐसी बात है, तो मछली पकड़ने वाली जो जाल होती है, अगर वो जाल कहीं से आपको अगर मिलता है, तो वो थोड़ा सी जाल भी अगर ला के आप अपने घर के अगर किसी कोने में रख दोगे, तो कोई भी नेगेटिव ऊर्जे की हिम्मत नहीं है जो घर में डूब जाए। अच्छा, तो उसी से ही सर्व बाधा जो है दूर हो सकता है, दूर हो जाएगा वो, क्योंकि मछली पकड़ने वाला जो जाल होता है वो बाकायदा यूज होना चाहिए, मतलब मछली पकड़ा है ऐसा वो इस्तेमाल में होना चाहिए, ऐसा नहीं जो नया खरीद के ला के ये कर दिए, इस्तेमाल किया हुआ मछुआरा जिसको इस्तेमाल किया है उस जाल को अगर थोड़ा से मिल जाए उसको अगर ला के अगर अपने घर में अगर ये करेंगे तो इससे बहुत फायदा होगा आपका, कोई नेगेटिव ऊर्जा घर में नहीं होगी। गुरु जी, और एक सवाल, क्या आप किसी आदमी हो या देश का कुछ सिचुएशन हो इसका बारे में फॉर्चून आप देख सकते हो, भविष्य कुछ? ये गुरु कृपा से ऐसे बहुत कुछ मुझे आभास होता है और मैं ऐसे हजारों लोगों को बोला हूँ और जो होता है वो सामने आता है। जैसे मैं आपको बोलूँ, आपके माध्यम से, आपकी चैनल के माध्यम से मैं भारतवासियों को यही बोलना चाहूँगा कि देखिए अभी हाल फिलहाल में जैसे देखा गया ये पहाड़ आपका अभी ध्वस्त हो गया, अभी 2 दिन पहले भूकंप आई थी, ये 2023 में आप लोग कृपया बहुत सावधान रहिए कि 2023 बहुत ही खतरनाक है, इतना खतरनाक है जो कोविड पीरियड से भी ये ज़्यादा खराब जाने वाला है और ये हो के रहेगा 2023 में, बहुत ही खराब जाएगा ये साल लोगों के लिए। इसीलिए मैं भारतवासियों से एवं सारे विश्व सारे संसार से मैं एक ही बात बोलूँगा, जो आप लोग काफ़ी सचेत रहिए और बहुत सूझबूझ से काम कीजिए और चलिए। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या मुसीबत आने वाला है, जैसे भूकंप, महामारी कुछ? भूकंप आने वाला है, एक बहुत बड़ा एक प्रलय से आने की पूरा पूरी संभावना है, एक ऐसी प्रलय आएगी जो ऐसा हो सकता है जो बहुत बड़ा विनाश हो, देश के विनाश हो, जनमानस का विनाश हो, ऐसा आने वाला है। अच्छा, तो इससे तो हम रोक नहीं सकते, फिर भी कुछ ध्यान जाप प्रार्थना करके? इतनी पाप की घड़ा भर गई है संसार में कि इसकी कोई रोक नहीं है, अगर कोई रोक सकता है तो साक्षात ईश्वर रोक सकेगा, इसके अलावा कोई नहीं रोक सकता है, संसार में कोई इसको नहीं रोक सकता है। और मैं ये भी एक चेतावनी दूंगा कि जो खुद को गलत गुरु है या पाखंड है, पाखंड के नाम पे लोगों को ठग रहा है या कोई गलत काम कर रहा है, उसका भी बहुत बुरा हाल होने वाला है। अगर वो सही गुरु के मार्ग में है, सही रास्ते पे चल रहा है, अगर सही विधि विधान से लोगों का भला कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं देश भर में जितनी पाखंडियों फैले हुए हैं मैं सबको एक ही बात बोलूँगा कि आप सबों का बहुत बुरा हाल होने वाला है, आपको साक्षात ईश्वर भी नहीं बचा सकते। तो गुरु जी, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी चैत्र नवरात्रि रनिंग है, तो आप साधना कर रहे हो कुछ स्पेशल नवरात्रि? हाँ, ये नवरात्रि में हमारा एक साधना चल रहा है। वो तो रात को करते हो शायद? हाँ, वो रात में ही मैं करता। गुरु जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, तो चलिए वीडियो को अभी एंड करते हैं यहीं पे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।